एक मॉक टेस्ट आपको कॉलेज की ओर से कंडक्ट की जाएगी और आपको उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जाम किस तरह से ऑनलाइन मोड से लेने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज बालुशा, वेलकम बैक इन बालुशा एजुकेयर। डिग्री कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उस दिवाली के बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं एज पर द गाइडलाइन, एंड यू मस्ट बी वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। व्हेन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो एग्जाम भी ऑफलाइन होगा क्या? जैसे कि SY का थर्ड सेमेस्टर हो, TY का फिफ्थ सेमेस्टर हो, या FY फोर्थ ईयर ऑफ कॉमर्स साइंस आर्ट्स या सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज उनका फोर्थ सेम हो, तो वो एग्जाम कैसे होगा, इस सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल एंड। यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट द सेम एग्जाम है जो SY की ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी और मेनी कॉलेजेस ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि एक कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया है कि कॉलेज एग्जाम कंडक्ट करेगा। For the TY, it is going to start on online mode from the university itself. वो भी post Diwali. वो post Diwali means after Diwali vacation वो भी start हो जाएगा. For the fifth or maybe the sixth sem. What about the FY, first year of science, arts, commerce or self finance courses? Guys, आपका भी exam online ही होगा. और मे बी यूर डूइंग इंजीनियरिंग और ऑल काइंड्स ऑफ कोर्सेस आप कर रहे हो, तो आपका सबका ये जो सेम है पोस्ट दिवाली के बाद होने वाला है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। बिकॉज एज पर द गाइडलाइन, यू कैन सी ऑल दिस गाइडलाइन ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख सकते हो, क्योंकि इट्स क्लियरली मेंशन दैट जब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए, और जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तभी देखा जाएगा कि एग्जाम कैसे होगा। लेकिन इन बिटवीन यू मस्ट बी वरीड दैट कि पोस्ट दिवाली के बाद आपके भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं ऑफलाइन मोड से। जैसे कि हालांकि उदय सामंत जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इसके बारे में क्लियरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया था कि पोस्ट दिवाली के बाद क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन डेट इज नॉट क्लियरली मेंशन येट। एज वी नो इन महाराष्ट्र, इवन दो इन मुंबई लाइक पुणे सिटी, फ्रॉम 8 to 12 क्लास क्लास के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और इट्स स्टिल रनिंग स्मूथली। सो डेफिनेटली आपके भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे पोस्ट दिवाली के बाद ऑफलाइन मोड से। लेकिन व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन? सी, जब भी आपने ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो अक्टूबर से, जैसे कि अक्टूबर एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है फॉर द डिग्री कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो उनका एग्जाम ऑनलाइन मोड से ही होगा। इवन दो उनको जो भी ऑफलाइन आना स्टार्ट करेंगे पोस्ट दिवाली, हो सकता है आपको ये कुछ डेट आ जाएगा, जैसे कि 15 नवंबर या 28 नवंबर के अराउंड आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन नो क्लियरली गाइडलाइन एज ऑफ नाउ फ्रॉम यू और फ्रॉम एनी अथॉरिटी ऑफ मुंबई। ऑलराइट, सो तभी उसके बाद, और जो FY के स्टूडेंट थे जो फर्स्ट ईयर डिग्री में इस साल एडमिशन लिया है और SL फाइनेंस कोर्सेज फॉर द एनी कोर्सेज, उनका भी सेम का एग्जाम, फर्स्ट सेम का एग्जाम एंड ऑफ नवंबर होगा, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। यदि आपके ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए तो भी आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड से ही होगा, बिकॉज डेफिनेटली एक पॉपकॉर्न करके आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से आपके थ्रू आपका एग्जाम लिया जाता है। Where all the necessary precautions you need to take, like you should on your camera, या यदि कॉपी कर रहे हो आजू बाजू का आवाज आ रहा है, वो सब सुनाई देता है। तो ये कॉलेज अपने अपने लेवल के ऊपर अपना एग्जाम लेता है और आपको उस एग्जाम के लिए कॉलेज की ओर से क्वेश्चन बैंक भी मिल जाती है, और ऑन दैट क्वेश्चन बैंक यू नीड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। सो इवन दो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका एग्जाम एटलीस्ट फर्स्ट सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री कॉलेज, उनका भी ऑनलाइन हो जाएगा। उसके लिए आफ्टर दिवाली मोस्ट प्रोबेबली विल गेट क्वेश्चन बैंक टू सॉल्व फॉर टू प्रैक्टिस, एंड उसके ऊपर से एग्जाम हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली डिसम्बर से आपके क्लासेस स्टार्ट होने के भी चांसेस है, या शायद एग्जाम के बाद आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, या एग्जाम के पहले हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम तो ऑनलाइन मोड से ही हो
होने वाला है इन बिटवीन डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हो, लाइक इंजीनियरिंग कर रहे हो या अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वो भी डिग्री कॉलेज से रेलिवेंट है, तो उनके लिए भी ऑनलाइन एग्जाम है. मदर मस्ट बी सर्कुलर ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट. और जो यमी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आपको हर टाइम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी है. वहां पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि एग्जाम ऑनलाइन मोड से होने वाला है. सो देयर विल बी एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन लाइक 80 मार्क्स, अमंग देम 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है, 20 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर रहता है. दिस ऑल अबाउट द वंस अगेन आई विल कम बैक वेरी सून अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी देयर. सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड विद बालूश एजुकेयर. Is there any question? Because this question frequently asked by many students that ki abhi offline classes ka chal raha hai, toh humara exam kaise hoga? Guys, don't worry at all. Jab hi university ne clearly mention kiya hai, again I'm repeating same thing, ki aapka online classes chal raha hai, toh exam bhi online hoga. Ek baar offline classes bhi start ho jate, toh bhi exam first same hai, wo online hi hone wala hai. For FY, FY का मस्ट मेरी कॉलेज ने ऑलरेडी ऑनलाइन मोड से स्टार्ट किया है, और TY का जो फिफ्थ सेम हो रहा है होने वाला है वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है. वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली है दैट मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 20th of November से उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. हो सकता है कि आपके कॉलेज भी जो फर्स्ट ईयर डिग्री करे वो नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे. लेकिन फॉर द फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज देयर विल बी नॉट यूनिवर्सल टाइम टेबल. इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज, वो कॉलेज कैसे मैनेज करता है. लेकिन TY का यूनिवर्सल एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट को मिल जाती है टू सॉल्व, टू प्रैक्टिस, टू मॉक टेस्ट, और उसके बाद स्टूडेंट की ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगी. बिफोर द एग्जामिनेशन देयर विल बी मॉक टेस्ट, कि किस टाइप का एग्जाम होगा, किस तरह से आपको कैमरा वगैरह स्टार्ट करके रखना है, किस तरह से टाइम लिमिट रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर. ऑलराइट गाइस, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिग्री कॉलेज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन और एनीथिंग एल्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डोंट राइट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.